Hello everyone, hope you all are doing good. So in the last class we were discussing the marathon on RCC. Marathon session chal raha tha hamara RCC ke upar, and the topic under consideration was foundation. So the last element bacha hai hamara, it is the last element. After that we'll enter into pre-stress concrete. Iske baad pre-stress concrete start kar denge. Start karne se pehle basic announcements hai. Prior to the starting we have basic announcements. It says that 20% off is available on GATE and ESE civil subscription, valid for 11th to 14th of October. You can avail this now. आप इसको avail कर सकते हैं. Next, 20% off is also available on an Academy Lite on distance running program. On distance running program, you get test series and notes. Both will be available to you. Then all the combat scholarship winners, we congratulate them. Approximately 65,000 learners have enrolled for combat. All the top rankers have joined our batches. And if you want to avail the benefit, you can also join our batches. Then on 14th of October, we are launching a new batch. We'll be starting with environmental engineering for GATE 23. Then on 14th of October, we are also starting with new batch. The topic which is starting is pre-stress. So pre-stress concrete. So we are starting with pre-stress concrete. I'll be taking the topic. Then GATE is less than 6 months away. So GATE is less than 6 months away. If you want to enhance your preparation, आप अगर अपनी preparation को enhance करना चाहते हैं, you can go for the Iconic. आप Iconic subscription use कर सकते हैं. At a very minimal cost. Minimal cost of approximately 3K. तो ये तुम्हारे basic announcements हो गए. These are our basic announcements. इसके बाद foundation में कहाँ तक कर लिया था? मेरे ख्याल से isolated footing हमने कर ली थी. Isolated footing I have done. Combined footing आपको बतानी थी. Combined. ये last page था, एक बार confirm कर देना आप. कंफर्म कर देना, ये लास्ट पेज था हमारा. दिस वाज द लास्ट पेज. ये द लास्ट पेज. अगर ये लास्ट पेज था तो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ कंबाइंड फुटिंग की. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग ऑफ द कंबाइंड फुटिंग. तो अभी तक आइसोलेटेड फुटिंग की बात करी थी, अब कंबाइंड फुटिंग की बात कर लेंगे. सो विल टॉक अबाउट कंबाइंड फुटिंग. तो कंबाइंड फुटिंग की बात करते हैं. इसमें भी खूब सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है. देयर आर सेवरल टेक्निकल एस्पेक्ट्स व्हिच आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ. हाउएवर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं. जो आइसोलेटेड फुटिंग में हमने कर रखा था एग्जैक्टली वैसा ही आपको कंबाइंड फुटिंग के अंदर भी करना होता है. चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन. पहला पॉइंट क्या बोलता है. द प्लान डायमेंशन ऑफ टू कॉलम कंबाइंड फुटिंग में बी सेलेक्टेड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू रिक्वायरमेंट. जो प्लान डायमेंशन होंगे आपके दो कॉलम की कंबाइंड फुटिंग के लिए, वो आप इस तरीके से सेलेक्ट करोगे ताकि आपकी ये दो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाए. अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है. जो बेस एरिया ऑफ द फुटिंग है, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, टोटल सर्विस लोड डिवाइड बाय द बेयरिंग कैपेसिटी. ऑब्वियसली ऐसे ही निकालते हैं, पीछे भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया था. जो टोटल लोड था डिवाइड कर दिया था आपने बेयरिंग कैपेसिटी से, ये आपका बेस एरिया आ गया फुटिंग का. सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस. द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड मस्ट पास थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग. जो आपके कॉलम लोड का रिजल्टेंट है वो आपके फुटिंग की सीजी से पास करना होना चाहिए. तो आप प्लान डायमेंशन कंबाइंड फुटिंग के इस तरीके से डिसाइड करोगे कि ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएं, कि हमारा जो बेस एरिया है फुटिंग का वो टोटल सर्विस लोड डिवाइड बाय बेयरिंग कैपेसिटी, और जो दोनों कॉलम का रिजल्टेंट लोड है वो पास कर जाए कहाँ से, हमारे फुटिंग की सीजी से. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, जो फुटिंग है आपकी कंबाइंड, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी ट्रेपेजॉइडल इन शेप, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ लोड ऑन टू कॉलम्स विच द फुटिंग सपोर्ट्स. आप जो कंबाइंड फुटिंग दे रहे हो वो रेक्टेंगुलर भी दे सकते हो, वो ट्रेपेजॉइडल भी दे सकते हो. ये किस पे डिपेंड करता है कि दोनों कॉलम का लोड कितना है, दोनों कॉलम के ऊपर लोड कितना है. अब कैसे दोनों कॉलम के ऊपर लोड कितना है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट.
फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हेन द एक्सटीरियर कॉलम, जो एक्सटीरियर कॉलम इसका मतलब जो कहां पर हो, जो हमारी बाउंड्री लाइन के पास में हो, लिखा विच इज अ लिमिटेशन फॉर द स्पेस फॉर एन इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फुटिंग। यानी एक्सटीरियर कॉलम वो कॉलम है जिसके पास स्पेस की जगह थी, आप इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड फुटिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, कैरीज अ हैवियर लोड, ये हैवी लोड कैरी कर रहा है, कैरीज अ सॉरी लाइटर लोड बोल रखा है, तो हैवियर लोड अगला केस बता दूंगा। तो जब एक्सटीरियर कॉलम आपका लाइटर लोड कैरी कर रहा है, अगर लाइटर लोड कैरी कर रहा है, इसका मतलब सी जी इससे दूर होगी, यानी एक्स बार की वैल्यू एस बाय टू से ज्यादा है। एस बाय टू क्या है? एस बाय टू क्या हमारी स्पेसिंग है। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उस केस के अंदर आप रेक्टेंगुलर फुटिंग दे दोगे या ट्रिपल हर्डल फुटिंग दे दोगे। इस तरीके से जो एक्सटीरियर कॉलम है वहां पर विड्थ छोटी होगी और जो इंटीरियर कॉलम होगा वहां पर विड्थ बड़ी होगी। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट। ऑन दी अदर हैंड व्हेन दी एक्सटीरियर कॉलम हैज अ हैवियर लोड, जो एक्सटीरियर कॉलम है वहां पर लोड ज्यादा है, वहां पर लोड ज्यादा है तो सीजी उसके पास शिफ्ट हो जाएगी, सीजी उसके पास शिफ्ट हो जाएगी, इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू, एक्स बार मतलब सीजी की दूरी है फ्रॉम द एक्सटीरियर कॉलम, अभी डायग्राम दिखा दूंगा आपको, इज लेस देन एस बाय टू। अब आप ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दोगे इस तरीके से, जो ट्रेपेजॉइड की वाइडर एज है वो आपके एक्सटीरियर कॉलम के साथ होगी और जो नैरोअर एज है वो इंटीरियर कॉलम के साथ चली जाएगी। तो जो वाइडर एंड है वो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का लोकेटेड अंडर द एक्सटीरियर कॉलम। नाउ इन केस ऑफ द रेक्टेंगल फुटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द लोडेड एरिया विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन। अगर हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, उस केस के अंदर जब हमारे लोड, दोनों कॉलम का जो रिजल्टेंट लोड है, अगर वो सीजी से पास कर रहा है तो क्या कंडीशन निकल के आती है, देखो डायग्राम के अंदर क्या कंडीशन निकल के आती है। अगर मेरा रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट दिस इज द रिजल्टेंट, अगर वो कॉलम की सीजी, अगर वो फुटिंग की सीजी से पास कर रहा है, फुटिंग की सीजी कितनी है, एल बाय टू, तो आप बोल सकते हो क्या कंडीशन निकल के आ गई यहाँ पे, ये मेरा रिजल्टेंट है आर, तो आप बोल सकते हो ए प्लस एक्स बार, इज इक्वल टू एल बाय टू, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एक्स बार, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ये क्या हो गया एक्स बार। तो एक कंडीशन लिखी हुई है, जैसे दी कंडीशन, क्लियर है? ए का मतलब होता है एज डिस्टेंस, कहाँ चली गई, ए का होता है हमारा मतलब एज डिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी लाइन से जो दूरी होती है हमारे एक्सटीरियर कॉलम के सीजी की, उसको हम एज डिस्टेंस बोल देते हैं। तो ए मे बी फिक्स विद द रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी लाइन। नोट करो, क्लियर है? चले तो कब रेक्टेंगुलर देना है, कब ट्रेपेजॉइडल देना है, उसकी कंडीशन निकल के आ गई है। तो पहला, अगर एक्स बार की वैल्यू एस बाय टू से ज्यादा है, कब होगा, जब पी वन पी टू से कम है, तो उस केस में आप रेक्टेंगुलर दे दोगे या ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दोगे, और ट्रेपेजॉइडल में जो छोटा एज है वो आप एक्सटीरियर कॉलम पे दोगे। अगर एक्स बार की वैल्यू एस बाय टू से कम है, यानी पी वन की वैल्यू पी टू से ज्यादा है, उस केस के अंदर आप क्या प्रोवाइड करोगे, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दोगे, जिसमें वाइडर जो हमारी फुटिंग की साइड है वो आप एक्सटीरियर कॉलम के पास दोगे, इट विल बी नियर टू द एक्सटीरियर कॉलम। तो ये तो कहानी निकल के आ गई हमारी किसकी, ये तो कहानी निकल के आ गई आप रेक्टेंगुलर फुटिंग दोगे या ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दोगे।
the story that whether you will be providing rectangular footing or trapezoidal footing. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं load transfer mechanism की. So now we are talking about what? Now we are talking about load transfer mechanism. अब ये क्या है load transfer mechanism? इसको देखते हैं. In case of the isolated footing, जो हमारा factored net soil pressure है, उसको हमने compute कैसे किया था? जो हमारा resultant factored load था, उसको divide कर दिया था area provided से. और जो भी प्रेशर निकल के आया था उसको आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पूरी फुटिंग के ऊपर. तो जो आइसोलेटेड फुटिंग थी उसमें आपने जो फैक्टर्ड नेट सॉइल प्रेशर निकाला था वो कैसे निकाला था? टोटल फैक्टर्ड लोड को डिवाइड कर दिया था एरिया प्रोवाइडेड से. अभी जो हमारी कंबाइंड फुटिंग है, इट इज सब्जेक्टेड टू टू वे बेंडिंग, वन वे शेयर एंड टू वे शेयर. ये जो हमारी कंबाइंड फुटिंग होती है, इट इज बिंग सब्जेक्टेड टू टू वे बेंडिंग. एक तो इसमें टू वे बेंडिंग होगी, इसमें वन वे शेयर होगा और इसमें टू वे शेयर भी मिल जाएगा आपको. इन जनरल द विड्थ ऑफ द फुटिंग इज मच लेस देन दैट, द जो विड्थ होती है वो मच लेस देन होती है लेंथ से, विच रिजल्ट्स इन द बिहेवियर दैट इज प्रीडोमिनेंटली वन वे. तो बेंडिंग टू वे हो रही है तो कैलकुलेशन के लिए तो वही एनालाइज करोगे, पर आपको जानकारी दे दी क्योंकि विड्थ की वैल्यू लेंथ से बहुत कम निकल के आती है तो प्रीडोमिनेंटली इसमें वन वे बेंडिंग ही चल रही होती है. तो हमारी कंबाइंड फुटिंग में प्रीडोमिनेंटली वन वे बेंडिंग ही चल रही होती है. क्लियर है चीज? तो प्रीडोमिनेंटली यू विल बी गेटिंग दी वन वे बेंडिंग. तो ये बात भी समझ में आती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द डिजाइन, अ सिंप्लीफाइड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म मे बी अज्यूम्ड. डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक सिंप्लीफाइड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म को अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे. अब क्या है सिंप्लीफाइड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म? पहला है कि जो फुटिंग है इट इज ट्रीटेड एज अ यूनिफॉर्मली लोडेड वाइड लॉन्गिट्यूडनल बीम ऑफ विड्थ बी दैट इज सपोर्टेड ऑन टू कॉलम स्ट्रिप्स. इस बात को समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ. तो जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझ सकते हैं. क्या? कि जो हमारी फुटिंग की जो स्लैब है उसको आप क्या मान सकते हो? हमारी फुटिंग की जो स्लैब है उसको आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्लैब मान सकते हो जो सपोर्टेड है दो कॉलम बीम के ऊपर. तो ये सपोर्टेड है दो कॉलम बीम के ऊपर, तो ये हमारी स्लैब है जिसकी विड्थ कितनी है? बी इंटू एल. और ये सपोर्टेड है हमारी दो कॉलम बीम के ऊपर, लिखा हुआ है. तो फुटिंग इज ट्रीटेड एज यूनिफॉर्मली लोडेड वाइड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ बी दैट इज सपोर्टेड ऑफ टू कॉलम स्ट्रिप्स. और कॉलम स्ट्रिप्स किसकी तरह काम करती है? ट्रांसवर्स बीम की काम करती है. क्या ट्रांसवर्स बीम की तरह काम करती है? जो कैंटिलीवर है हमारे कॉलम से, तो इसका मतलब टू वे कैंटिलीवर बीम बन जाती है. जो आपको कॉलम स्ट्रिप लेनी है इसकी साइज कितनी कंसीडर करोगे? जो आप कॉलम स्ट्रिप ले रहे हो उसकी साइज कितनी कंसीडर करोगे? साइज ऑफ द कॉलम प्लस 0.75d ऑन आइदर साइड. तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75d, 0.75d, तो 1.5d. क्लियर है चीज? तो हमारी जो कॉलम है उसकी साइज A1 है और उसके दोनों तरफ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.75d, 0.75d, तो टोटल आ जाएगा 1.5d. तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो फुटिंग की स्लैब है वो एक लॉन्गिट्यूडनल बीम है जो दो सपोर्टेड है किसके ऊपर? सपोर्टेड है दो कॉलम स्ट्रिप्स के ऊपर जो हमारे ट्रांसवर्स बीम की तरह काम कर रही है, विच आर कैंटिलीवर ऑन बोथ दी साइड्स. ये कैंटिलीवर है दोनों तरफ से, तो एक कैंटिलीवर है दोनों तरफ से. सो इट इज कैंटिलीवर्ड ऑन बोथ दी साइड्स. इसको ऊपर किया हमने, सो इट इज कैंटिलीवर्ड ऑन बोथ दी साइड्स. आपकी जो ट्रांसवर्स बीम है या कॉलम स्ट्रिप्स है इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज है आपके कॉलम की साइज प्लस 0.75d ऑन आइदर साइड दोनों तरफ. क्लियर है? इसको कहां रखूं मैं? ठीक है, अब सारा कुछ दिख रहा है यहां पे. नाउ इट इज विजिबल. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द थिकनेस ऑफ द फुटिंग इज जनरली गवर्न्ड बाय द शेयर कंसीडरेशन. ये तो पीछे वन वे हमने आइसोलेटेड फुटिंग में भी देखा था, उसकी थिकनेस गवर्न कैसे होती है? वन वे शेयर से गवर्न होती है. सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर भी वन वे शेयर टू वे शेयर दोनों के लिए चेक करेंगे, पर यहाँ पर भी जो थिकनेस निकल के आएगी फुटिंग की वो वन वे शेयर से गवर्न होती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मे बी इजीली डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग द फुटिंग स्लैब एज बीइंग सपोर्टेड ऑन टू कॉलम स्ट्रिप्स विद ओवरहैंग बियॉन्ड द कॉलम स्ट्रिप्स.
अब जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, आप मान सकते हो कि आपके फुटिंग की जो स्लैब है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल बीम है जो सपोर्टेड है दो कॉलम स्ट्रिप्स के ऊपर। अगर आपने इसको ये कंसिडर किया तो आप इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ इट शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? अब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बना के भी दे रखा है, ये लो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। क्लियर है चीज? कहाँ गया? क्लियर है? तो ये इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखा दिया आपको, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो जो फ्लेक्सर रीइंफोर्समेंट निकालोगे आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर, इट इज डिजाइन फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। चेक करो, ये हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, दूसरे पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ये हमारी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ध्यान रखना लोड नीचे से लग रहा है, ध्यान रखना लोडिंग कहाँ से लग रही है, लोडिंग नीचे से लग रही है, लोडिंग ऊपर से नहीं लग रही है। क्लियर है? क्लियर है? तो आप जो फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट निकालोगे वो किसके लिए निकालोगे, आप जो फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट निकालोगे किसके लिए निकालोगे, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी निकालोगे, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए भी निकालोगे, दोनों के लिए कैलकुलेट करोगे। तो पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इन कॉलम स्ट्रिप इज डिजाइंड फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। जो कॉलम स्ट्रिप है इसके लिए जो आप रीइंफोर्समेंट डिजाइन करोगे वो डिजाइन करोगे सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए, दैट इज टू बी डिजाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। सो आई विल से द फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इन द कॉलम स्ट्रिप इज डिजाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इन लाइन विद द फेस ऑफ द कॉलम। क्या लेगा मतलब है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा इसका, कॉलम का फेस ही होगा। कंसीडरिंग द कॉलम बीम एज अ यूनिफॉर्मली लोडेड फैक्टर्ड लोड ऑन द कॉलम। कहने का मतलब ये है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बीम है, जो फुटिंग की स्लैब है, उसका जो फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट निकालोगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बेंडिंग मोमेंट के लिए निकलेगा। जो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बीम है, जिसको आपने कॉलम स्ट्रिप का नाम दिया था, उसके लिए आप रीइंफोर्समेंट निकालोगे फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ कंसिडर करोगे, कॉलम के फेस पे कंसिडर करोगे। ठीक है, कॉलम के फेस पे कंसिडर किया, पर इस कॉलम स्ट्रिप के ऊपर लोड कितना कंसिडर करोगे, कॉलम स्ट्रिप के ऊपर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसिडर करोगे जो कॉलम ने ट्रांसफर किया। ध्यान रखना नीचे सॉइल वाला नहीं है, जो कॉलम ने ट्रांसफर कर रखा है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्लियर चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, डेवलपमेंट लेंथ शुड बी सेटिस्फाइड बाय द फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपके फ्लेक्सुरल रीइंफोर्समेंट के अंदर सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपकी जो कॉलम स्ट्रिप है इट शुड बी चेक्ड विद वन वे शेयर और उसका क्रिटिकल सेक्शन होगा एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कॉलम। जो आपकी कॉलम स्ट्रिप है इट शुड बी चेक्ड फॉर द वन वे शेयर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द अफेक्टिव डेप्थ ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। तो ये बात भी समझ में आती है, That can also be understood. तो कॉलम स्ट्रिप है उसको आप चेक करोगे वन वे शेयर के लिए। जो आपकी मेन लॉन्गिट्यूडनल बीम है उसमें वन वे शेयर टू वे शेयर दोनों मिलेगा, पर जो आपकी मेन बीम को छोड़ के ट्रांसवर्स बीम है उसको आप चेक करोगे वन वे शेयर के लिए, क्रिटिकल सेक्शन डी डिस्टेंस की दूरी पे हो जाएगा।
it will be at a distance of d from the face of the column. चलो तो ये बात भी समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करने का पहला क्राइटेरिया हो गया, ये तो हमारी कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करने का पहला क्राइटेरिया हो गया, पहला तरीका हो गया। इट इज वन ऑफ द मेथड टू डिजाइन द कंबाइंड फुटिंग। तो एक तरीका ये भी होता है कंबाइंड फुटिंग को डिजाइन करने का। अब दूसरा है हमारा बीम स्लैब कंबाइंड फुटिंग। इसके ऊपर तो मेंस में सवाल भी आया हुआ है, इसके ऊपर तो मेंस में सवाल भी आया हुआ है, डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल पूछा हुआ, तो उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ रिलेटिवली लार्ज फुटिंग, सो इन केस ऑफ रिलेटिवली लार्ज फुटिंग, अगर फुटिंग कंपैरेटिवली बड़ी है, प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर द इंटायर फुटिंग रिजल्ट्स इन द अनइकोनॉमिकल डिजाइन। अगर फुटिंग कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है और आपने पूरी फुटिंग में यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड कर ली, ये बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, इट विल बिकम हाईली अनइकोनॉमिकल। क्लियर है? सो इन सच केसेस इट मे बी मोर इकोनॉमिकल टू डेवलप और डिजाइन अ बीम स्लैब फुटिंग। अगर इसमें आपको मिलती है जिसमें फुटिंग की साइज बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू डेवलप और डिज़ाइन अ बीम स्लैब फुटिंग। आप इसमें बीम स्लैब फुटिंग की डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इन विच फुटिंग कंसिस्ट ऑफ अ बेस स्लैब, जिसमें फुटिंग के अंदर क्या होती है, बेस स्लैब होती है, विच इज स्टिफंड बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम। पीछे क्या था, हमारी एक बीम थी लॉन्गिट्यूडनल बीम जो सपोर्टेड थी दो ट्रांसवर्स बीम के ऊपर, विच वॉज सपोर्टेड ओवर टू ट्रांसवर्स बीम। अभी क्या हो रहा है, अभी ये है हमारी जो स्लैब है, हमारी जो स्लैब है उसकी स्टिफनिंग कर रखी है किसने, लॉन्गिट्यूडनल बीम में जो दोनों कॉलम को कलेक्ट कर रही है। सो इन सच अ केस इट इज मोर इकोनॉमिकल टू डिजाइन अ बीम स्लैब फुटिंग। लिखा हुआ है बीम स्लैब फुटिंग है, ये बीम स्लैब फुटिंग में क्या होता है, हमारी फुटिंग कंसिस्ट ऑफ अ बेस स्लैब, एक तो बेस स्लैब होगी और उस बेस स्लैब की स्टिफनिंग कैसे कर रखी है आपने, सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम की मदद से कर रखी है। और ये सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम किसको कनेक्ट कर रही है, ये सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम हमारी कनेक्ट कर रही है दोनों कॉलम को, इट इज कनेक्टिंग बोथ द कॉलम्स। क्लियर है बात? समझने के लिए डायग्राम देख लेते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम है, दिस इज अवर सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम, इसको मैंने हाईलाइट ही कर दिया, तो सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम, तो बेस स्लैब है जिसकी स्टिफनिंग किसने कर रखी है, ये हमारी सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम ने स्टिफनिंग कर रखी है और बेस स्लैब तो आपको दिख रही है। ये हमारी क्या है, सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम, दिस इज अवर सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम, तो सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल बीम जिसकी स्टिफनिंग कर रखी है स्लैब ने। तो जब आपके स्लैब की साइज बहुत बड़ी हो, व्हेन द साइज ऑफ द स्लैब इज कंपैरेटिवली बिगर, तो यूनिफॉर्म थिकनेस की स्लैब देना इज हाईली अनइकोनॉमिकल। तो इस चीज से अवॉइड होने के लिए हम क्या करते हैं, बीम स्लैब फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। सो वी गो फॉर द बीम स्लैब फुटिंग। अब इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, हाउ द डिजाइनिंग इज बीइंग कैरिड आउट। तो डिजाइनिंग करनी है बीम स्लैब फुटिंग की, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो हमारी बेस स्लैब है, इट बिहेव्स लाइक अ वन वे स्लैब। हमारी जो बेस स्लैब है, इट बिहेव्स लाइक वन वे स्लैब, ये वन वे स्लैब की तरह काम करती है। क्लियर है? सपोर्टेड बाई दी बीम्स, ये सपोर्टेड है बीम से, एंड बेंड ट्रांसवर्सली अंडर यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। तो ये इस डायग्राम को देखो, ये किसकी तरह काम कर रही है, वन वे स्लैब की तरह काम कर रही है और बेंड कर रही है वन वे डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसकी स्टिफनिंग आपने किससे कर रखी है, बीम से कर रखी है, तो ये बेंड करेगी वन वे डायरेक्शन के अंदर, सो इट विल बेंड इन दी वन वे डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो बेस स्लैब है ये बिहेव करती है वन वे स्लैब की तरह, इट इज सपोर्टेड बाई द बीम एंड इट बेंड्स ट्रांसवर्सली अंडर द यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द लोड ट्रांसफर फ्रॉम द स्लैब आर रेजिस्टेड बाई द लॉन्गिट्यूडनल बीम। द लोड ट्रांसफर फ्रॉम द स्लैब आर रेजिस्टेड बाई द लॉन्गिट्यूडनल बीम। जो लोड ट्रांसफर है स्लैब का, उसको रेजिस्ट करता है कौन, उसको रेजिस्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल बीम।
So the load transfer from the slab is resisted by the longitudinal beam. Next point of reference, the size of the beam is generally governed by the one way shear. जो बीम है उसकी साइज कौन गवर्न करता है? वन वे शेयर. अच्छा, क्रिटिकल सेक्शन कहां पर है? क्रिटिकल सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम और पेडेस्टल. कॉलम से डी डिस्टेंस की दूरी पे वन वे शेयर के लिए आप इसको चेक करोगे और वहां से इसकी डेप्थ निकाल लोगे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर अफेक्टिव लोड ट्रांसफर द विड्थ ऑफ द बीम शुड बी केप्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द कॉलम और पेडेस्टल. क्लियर चीज? तो जो हमारी अफेक्टिव लोड ट्रांसफर है, जो हमारा अफेक्टिव लोड ट्रांसफर है, इसके लिए हम क्या डिसाइड करते हैं? इसके लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो कॉलम की साइज है वही हमारे बीम की साइज होनी चाहिए. क्लियर है पॉइंट? सो लोड ट्रांसफर फ्रॉम द स्लैब आर रेजिस्टेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल बीम एंड द साइज ऑफ द बीम इज जनरली गवर्न्ड बाय वन वे शेयर. ये बता दिया. फॉर अफेक्टिव लोड ट्रांसफर द विड्थ ऑफ द बीम शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द कॉलम और पेडेस्टल. अफेक्टिव लोड ट्रांसफर के लिए हमारे कॉलम की जो विड्थ है ये हमारे पेडेस्टल और कॉलम की विड्थ के बराबर होनी चाहिए. तो विड्थ ऑफ द बीम शुड बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ कॉलम और पेडेस्टल. चले नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द बेस स्लैब मे बी टेपर्ड इफ द स्पैन ऑफ द विड्थ इज टू लार्ज फॉर द इकोनॉमी. जो आपकी बेस स्लैब है इसकी आप टेपरिंग कर सकते हो अगर स्पैन बहुत ज्यादा हो, स्पैन विड्थ कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा निकल के आ रही है. तो ये हमारे स्पैन की विड्थ है. अगर ये स्पैन विड्थ बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, इफ इट्स कमिंग आउट टू बी ह्यूज, आप क्या कर सकते हो? इसकी टेपरिंग कर सकते हो. यू कैन कैरी आउट इट्स टेपरिंग. So base slab can be tapered. तो base slab की हम tapering कर सकते हैं. So we can go for the tapering of the base slab if the width is comparatively more. अगर इसकी width बहुत ज़्यादा है. Clear चीज़? So the thickness shall be, next point क्या बोल रहा है? The thickness of the slab shall be checked for one way shear at a distance d from the face of the beam. अब जो आपकी slab है, ये जो आपकी slab design करोगे, इसकी slab की thickness निकालोगे वन वे शेयर के लिए. और वन वे शेयर के लिए इस बार क्रिटिकल सेक्शन कितना है? डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द बीम. बीम के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा? डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम. और हमारी स्लैब के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा? डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द बीम. क्लियर है? ये हमारी डिजाइनिंग खत्म. इन अ कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड्स द मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट अकर्स. इन अ कंबाइंड फुटिंग ऑफ टू कॉलम कैरिंग अनइक्वल लोड्स द मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट अकर्स. अच्छा, हॉगिंग मोमेंट की बात कर रहा है. इनसाइड फेस ऑफ द हैवियर कॉलम. ठीक है, इनसाइड फेस ऑफ द हैवियर कॉलम. A section equidistant from both the column. ठीक है. A section subjected to maximum shear force. A section subjected to zero shear force. Obviously, maximum bending moment कहाँ पे मिलेगी आपको? उस section पे जहाँ पे क्या हो, shear force zero. जैसे देख लो, ये मैंने आपको बना के दिखाया था shear force bending moment diagram. जहाँ पे shear force की value क्या निकल क्या है? ये रहा, sorry. जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आया? जीरो निकल के आया. तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट आपको वहां मिलेगा जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो. ये लो, ये है. तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट वहां मिलेगा हमें बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है, वेयर शेयर फोर्स इज जीरो. क्लियर? तो शेयर फोर्स इज जीरो.
क्लियर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, व्हाइल डिजाइनिंग कंबाइंड फुटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द कॉलम लोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फुटिंग स्लैब सच दैट द नेट सॉइल प्रेशर ऑब्टेंड इज, अच्छा रिजल्टेंट लोड जब पास करेगा हमारे फुटिंग की तीजी से तो आपका जो नेट सॉइल प्रेशर आएगा वो कैसा निकल के आएगा? यूनिफॉर्म निकल के आ जाएगा, सो नेट सॉइल प्रेशर इज यूनिफॉर्म। क्लियर है? तो नेट सॉइल प्रेशर हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ पी इज द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी, पी इज द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी फॉर अ स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, ये स्क्वायर फुटिंग है, क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ कॉलम पे होगा, ये हमारा कॉलम है, साइज दे रखी है आपको, दिस इज बी दिस इज ए। चलो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है कैसे निकाले? अपवर्ड प्रेशर हमारा पी, अपवर्ड प्रेशर है हमारा पी, पर यूनिट लेंथ कैसे निकाल लें? पी इंटू बी पर यूनिट लेंथ, तो ये लोडिंग आ गई पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, तो दिस डिस्टेंस एल्फा, पी इंटू बी एल्फा इंटू एल्फा बाय टू, लोडिंग आ गई तो एल्फा इंटू एल्फा बाय टू, तो एल्फा की वैल्यू कितनी है? बी माइनस ए बाय टू, सो बी माइनस ए बाय टू वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करी पी इंटू बी इंटू पी बी माइनस ए का होल स्क्वायर, सो टू का होल स्क्वायर फोर, फोर का इंटू एट टू एट, तो ये वैल्यू आ गई पी बी बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय एट। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी बात सही है? द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द अपवर्ड प्रेशर ऑन द फुटिंग, अपवर्ड प्रेशर निकालने के लिए सेल्फ वेट कंसिडर नहीं करते, फैक्टर्ड लोड कंसिडर करते। Self weight of the footing is also considered for calculating the upward pressure on the footing. The self weight of the footing is not considered for calculating the area. Consider करते हैं, तो not लिख दिया तो गलत हो गया, तो गलत statement हो गई, तो answer is ये, answer हमारा ये आ गया। चले फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ अ कंबाइंड फुटिंग टू सपोर्ट टू इक्वल कॉलम लोड प्रोजेक्शन ऑफ द बीम इन द लोअर टियर आर केप्ट सच दैट द बेंडिंग मोमेंट अंडर द कॉलम इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकल के आती है। तो अगर इकोनॉमिकल डिजाइन करनी है आपको तो ये जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर आना चाहिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ मस्ट बी सेम।
नोट कर लिया सबने? चले तो ये तो हमारे फुटिंग की कहानी खत्म हुई। नाउ द स्टोरी ऑफ द फुटिंग इज फिनिश्ड। नाउ सिंस द स्टोरी ऑफ द फुटिंग इज फिनिश्ड, नाउ विल एंटर इनटू प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अब हम एंटर कर जाएंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी स्टार्ट होती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। अब क्या है ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट की हमारी यूनिट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, pre-stress concrete is basically a concrete in which internal stresses of suitable magnitude and distribution are introduced so that the stress resulting from the external loading are counteracted to desired degree. फिर से रिपीट करता हूँ, pre-stress concrete basically एक ऐसा concrete होता है जिसमें आप internal stress को induce कराते हो, internal stress जिसका magnitude भी आपका मन पसंद का है और distribution भी आपके मन पसंद की है। तो आप इसमें करते क्या हो, इंटरनल स्ट्रेसेस को इंड्यूस कराते हो इस तरीके से कि जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएंगे वो काउंटरैक्ट हो जाएंगे आपकी डिजायर्ड डिग्री पे, इसको हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो आपने पहले से ही इसमें इंटरनल स्ट्रेस क्या कर रखे हैं, इंड्यूस करा रखे हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट। जो हमारी प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होती है वो कन्वेंशनल रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट से डिफरेंट होती है। व्हाई? Due to the application of the initial load on it prior to its use, इसमें आप use करने से पहले ही क्या कर देते हो, आप load apply कर देते हो, तो आपके conventional concrete से ये different हो जाता है। तो जो pre-stress concrete है ये different है आपके conventional reinforced concrete से due to the application of the initial load on it prior to its use। Clear है बात? चलो ये बात भी समझ में आती है। अब नीचे मैंने आपको pre-stress beam बना के दिखा रखी है, ये हमारा स्टील का इसमें रीइंफोर्समेंट है जिसमें आपने क्या कर रखा है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रखा है। जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रखा है इसके करस्पॉन्डिंग मैंने आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया है। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये है हमारी क्रॉस सेक्शन। तो जो लोड लग रहा है पी कंप्रेसिव फोर्स, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया, ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया हमारा पी बाय ए। तो एक तो ये डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई हमारी पी बाय ए की। क्लियर है चीज। नेक्स्ट, मोमेंट निकल के आएगी डेड लोड और लाइव लोड की वजह से। मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड विल बी इंड्यूस। तो आपने जो लोडिंग लगा रखी है इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल। तो ये हमारे स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ गया, फ्लेक्चर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये पूरा कंप्रेसिव है, ये ऊपर कंप्रेसिव है, नीचे टेंसाइल है। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालूंगा मैं, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हो सकता है टेंसाइल है, हो सकता है क्या हो, कंप्रेसिव भी आ जाए। वो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने एक्सटेंट तक टेंसाइल स्ट्रेसेस को काउंटरैक्ट करना है। तो ये मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकल के आ गया। बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हो, एम बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, एम बाय जेड। तो डेड लोड लाइव लोड बाय जेड, इनफैक्ट वाई लिखा हुआ है तो वाई छोड़ दो। तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड इनटू वाई बाय जेड लिखा हुआ है, तो वाई बाय आई लिख दिया इसने, वाई बाय आई जिसको मैं जेड बोल रहा हूँ। सो वाई बाय आई, क्लियर है? क्लियर है?
नोट कर लिया सबने? नोट कर लो फटाफट। चलो नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन द फाइनल स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेस एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कंक्रीट आर विद इन परमिसिबल लिमिट। जो हमारा फाइनल स्ट्रेस डायग्राम है इसमें जो हमारे रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल लिमिट में है टॉप और बॉटम पे, तो वो आपको पीछे बना के दिखाई दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ सेम अमाउंट इज अप्लाइड ऑन द सेक्शन विदाउट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स द स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। अगर मैं ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स नहीं लगाता उस केस के अंदर हमारे बीम के बॉटम पे जो स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल लिमिट से एक्सीड कर रहे थे, हमारी बीम क्या कर जाती, फेल कर जाती। तो हमने बीम को सेफ बनाया बाय प्री स्ट्रेसिंग इट, सो देयर बाय द मेंबर इज मेड सेफ बाय प्री स्ट्रेसिंग। क्लियर है? Done. चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज फॉर कॉन्क्रीट इंटरनल स्ट्रेसेज आर इंड्यूस्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कॉन्क्रीट के लिए जो इंटरनल स्ट्रेसेज हैं उसको हम इंड्यूस कराते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहला, फर्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज लेस। तुम्हारे कॉन्क्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? कम है। हेंस द क्रैक्स मे डेवलप एट द अर्ली स्टेज ऑफ द लोडिंग इन फ्लेक्चर मेंबर्स सच एज बीम एंड स्लैब। क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है तो हमारे क्रैक डेवलप हो जाते हैं अर्ली स्टेज में। नेक्स्ट, प्री स्ट्रेसिंग इनहेंसेज द बॉन्ड शेयर टॉर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेसिंग से हमारा बॉन्ड शेयर और टॉर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट इनहेंस हो जाती है। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। थर्ड, इन पाइप्स एंड लिक्विड स्टोरेज टैंक हूप टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी इफेक्टिवली काउंटरैक्टेड बाय प्री स्ट्रेसिंग। जो हमारे लिक्विड स्टोरेज टैंक है इसमें हम हूप टेंसाइल स्ट्रेस को इफेक्टिवली काउंटरैक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? प्री स्ट्रेसिंग की मदद से। तो ये आपको एडवांटेजेस बता दिए प्री स्ट्रेसिंग के। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? द पर्पस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज, अच्छा, टू प्रोवाइड एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, सही बात है। टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, सही बात है। टू इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट, सही बात है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। देखा ना, ये देखो, टू इनहेंस द बॉन्ड शेयर टॉर्शनल ऑफ द कॉन्क्रीट और टू प्रोवाइड द एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस हो गया, टू रेजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, ये रहा हूप टेंसाइल स्ट्रेस, इम्पार्ट इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। कितने तरह की प्री स्ट्रेसिंग अवेलेबल है हम इसकी बात करेंगे। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग व्हिच आर अवेलेबल। खूब तरह की प्री स्ट्रेसिंग अवेलेबल है हमारे पास, एक एक करके सबको उठाएंगे। So there are several types of pre-stressing which are available. So we'll be talking about all types of pre-stressing. जितने भी तरह की pre-stressing हैं उन सब की बात करेंगे। As we know कि एक ही चीज़ को classify करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसा हमें पता है कि किसी भी चीज़ को classify करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, same कहानी यहाँ पर भी applicable है। Same story is applicable here. यहाँ पर भी classify में बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ। So pre-stressing can be classified on the basis of the following. अब क्या क्या तरीके हैं pre-stressing को classify करने के लिए? पहला, सोर्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सोर्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए जो फोर्स लगाया उसका सोर्स क्या है, व्हाट द सोर्स ऑफ दैट। देखते हैं, पहला,
हाइड्रोलिक प्री स्ट्रेसिंग, आपने प्री स्ट्रेसिंग कर रखी है किसकी मदद से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जैक। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग प्रोड्यूसिंग लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। ये सबसे आसान तरीका है प्री स्ट्रेसिंग करने का। इसमें हाइड्रोलिक जैक को यूज किया जाता है फॉर टेंशनिंग ऑफ द बार्स। इसमें कैलिब्रेटेड गेज लगा होता है जो आपको क्या बता देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बता देती है। दूसरा तरीका प्री स्ट्रेसिंग करने का इज मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग। इन दिस टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द डिवाइस इंक्लूड द वेट विद और विदाउट द लीवर ट्रांसमिशन, गियर, पुली बैक, स्क्रू जैक एक्सेट्रा। तो मैकेनिकल प्री स्ट्रेसिंग में हम वेट की मदद से प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। इसमें गियर भी लगी होती है, पुली भी लगा होता है, स्क्रू भी लगा होता है, जैक भी लगा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर मास स्केल प्रोडक्शन। इसको मास स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगला तरीका प्री स्ट्रेसिंग करने का इज इलेक्ट्रिकल प्री स्ट्रेसिंग। इन दिस टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द स्टील वायर्स आर इलेक्ट्रिकली हीटेड। इसके अंदर हम स्टील के वायर को इलेक्ट्रिकली हीट कर देते हैं एंड आर एंकर्ड बिफोर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इन द मोल्ड। हम इसकी एंकरिंग कर देते हैं मोल्ड में डालने से पहले। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज थर्मो इलेक्ट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टील वायर को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसको रख देते हैं मोल्ड के अंदर, फिर कॉन्क्रीट को फिल करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्री स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट इज केमिकल प्री स्ट्रेसिंग। अब केमिकल प्री स्ट्रेसिंग क्या है? इन दिस केमिकल प्री स्ट्रेसिंग व्हाट वी डू, एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज विच इज कम्पोज ऑफ 75% ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, 15% of high alumina cement and 10% of gypsum. Now as the expansion of the concrete is restrained, आप concrete को expansion होने नहीं देते, by the high tension wires, compressive stress induced हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, इस system को हम और क्या बोल देते हैं, इस system को हम self pre-stressing भी बोल देते हैं। The system is also known as what, self pre-stressing. Clear a चीज? So in this case, expanding cement is used, which is composed of 75% of the Portland cement. 15% इसमें क्या यूज कर लेते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर लेते हैं, 10% इसमें जिप्सम यूज कर लेते हैं। क्योंकि आपने एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज कर रखा है, जैसे ही कॉन्क्रीट एक्सपेंड कर रहा होता है, एज द एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्क्रीट इज रिस्ट्रेंड बाय द हाई टेंशन वायर्स, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाते हैं हमारे, इसलिए इसको हम सेल्फ फ्री स्ट्रेसिंग भी बोल देते हैं। देयर बाय इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेल्फ फ्री स्ट्रेसिंग। नोट कर लो फटाफट। चलो, ये सारा तरीका किसका था, ये सारा तरीका क्लासिफाई करने का इस बिहाफ पे था कि प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का सोर्स क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का सोर्स क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, द नेक्स्ट ऑफ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। कैसे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। व्हेन द प्री स्ट्रेसिंग इज अचीव्ड बाय द एलिमेंट लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंक्रीट, इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। सो व्हेन द प्री स्ट्रेसिंग इज अचीव्ड बाय द एलिमेंट व्हिच इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द कंक्रीट, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। क्लियर है? जो हमारे टेंडेंस हैं, यानी जो बार्स हैं या जो वायर्स हैं, दे कैन लाई आउटसाइड द मेंबर और इनसाइड द हॉलो स्पेस ऑफ द मेंबर इन दिस केस। तो अगर आपने प्री स्ट्रेसिंग करी कोई ऐसे एलिमेंट की वजह से जो कंक्रीट से बाहर है, इसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। तो ये हमारी एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग है। व्हेन द प्री स्ट्रेसिंग इज अचीव्ड बाय द एलिमेंट लोकेटेड इनसाइड ऑफ द कंक्रीट मेंबर बाय एम्बेडेड टेंडन्स, इट इज टर्म्ड एज इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग आर इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग। मोस्टली जो भी प्री स्ट्रेसिंग होती है वो हमारी इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग ही होती है। क्लियर है?
नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्री स्ट्रेसिंग इन द कॉन्क्रीट कैन बी डन. तो प्री स्ट्रेसिंग इन द कॉन्क्रीट कैन बी डन. प्री स्ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं कॉन्क्रीट के अंदर? बाय द मीन्स ऑफ द हाइड्रोलिक जैक, ठीक है. बाय द मीन्स ऑफ द थर्मल मेथड, ठीक है. बाय द मीन्स ऑफ द सपोर्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. बाय द यूज ऑफ द एक्सपेंडिंग सीमेंट, ठीक है. चारों ऑप्शन सही है, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट. क्लियर है पूरी कहानी? चले सो विल कंटिन्यू नाउ, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मेथड टू क्लासिफाई द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. तो पहला था कि सोर्स क्या है हमारे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का, द सोर्स ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. दूसरा तरीका था कि प्री स्ट्रेसिंग कहाँ हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है इंटरनली हो रही है. द प्री स्ट्रेसिंग इज टेकिंग प्लेस एक्सटर्नली और इंटरनली. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन की. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, पहला लीनियर प्री स्ट्रेसिंग, दूसरा है हमारा सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग. अब लीनियर प्री स्ट्रेसिंग क्या होती है? व्हेन द प्री स्ट्रेस मेंबर्स आर स्ट्रेट और फ्लैट इन डायरेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग, दिस इज कॉल्ड लीनियर प्री स्ट्रेसिंग. जैसे प्री स्ट्रेसिंग कर दो आप बीम की, पाइल की, पोल की, स्लैब की. तो व्हेन द प्री स्ट्रेस मेंबर आर स्ट्रेट और फ्लैट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? लीनियर प्री स्ट्रेसिंग बोल देते हैं. When the pre-stressed members are curved in the direction of pre-stressing, it is called a circular pre-stressing. जैसे example हमारी pipe हो गई और tank हो गई. अगला तरीका classify करने का है extent of pre-stressing. Next of the method is extent of pre-stressing. पहला full pre-stressing, दूसरा है limited pre-stressing. Full pre-stressing और limited pre-stressing. तो ये भी कर सकते हैं हम. So full pre-stressing and limited pre-stressing. When the level of pre-stressing is such that कि कोई tensile stress नहीं रहे हमारे concrete के अंदर, इसको हम बोल देंगे type 1 और full pre-stressing. जब आपने इतनी pre-stressing कर दी कि आपके जो tensile stress है वो है पर वो within permissible limit है, इसको हम बोल देंगे limited pre-stressing. तो ये भी एक तरीका है, this is also method. ये भी एक तरीका होता है define करने का या classify करने का pre-stressing को. This is also one of the method to classify the pre-stressing. क्लियर है चीज? नेक्स्ट इज व्हाट द एक्सिस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग. अगर आपके टेंडेंट्स आर पैरेलल टू वन एक्सिस, वील से यूनि एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग. अगर आपके टेंडेंट्स आर पैरेलल टू बोथ द एक्सिस, वील से बाई एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग, जैसे स्लैब में हो सकती है. इफ द टेंडेंट्स आर पैरेलल टू मोर देन टू एक्सिस, दैट इज टर्म्ड एज मल्टी एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग. इसको मल्टी एक्सियल प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं. तो ये डिपेंड कर जाता है, इट डिपेंड्स कि क्या एक्सेस है आपके प्री स्ट्रेसिंग के. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. एंड लास्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग. तो टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग के अंदर हमारे दो क्लासिफिकेशन है, एक है हमारी प्री टेंशनिंग और एक है हमारी पोस्ट टेंशनिंग. इसको फिर अगली क्लास में बताता हूँ क्योंकि लंबा चौड़ा है ये, इसमें टाइम लगेगा, इट विल कंज्यूम टाइम. ये फिर नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इट्स सफिशिएंट.
क्लियर है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।